अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने शुक्रवार को फिरोजाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर क्षत्रिय समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया के जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और साथ ही आज जहां पूरे देश में सीटों के बंटवारे में सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व शून्य है, उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज की अनदेखी की जा रही है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा करता है कि क्षत्रियों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी निभाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम बात करें अपने ब्रज प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे क्षेत्र में मात्र 2 सीटें ठाकरों को दी गई हैं, एक मैनपुरी और एक मुरादाबाद। मैनपुरी के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई,